हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर क्या आपके बिना खुश है। तो यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि क्या वो आपके बिना खुश हैं और क्या कुछ है ऐसा, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, क्या कुछ है, वही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो उनके फीलिंग्स को देखेंगे, खुश हैं कि नहीं देखेंगे, और उसका इसके बाद ये हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। ओके, तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे टैरो रीडिंग हो या कुंडली रीडिंग हो, आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। कुंडली रीडिंग स्पेशली आप लोग करवा सकते हैं या फिर टैरो रीडिंग भी करवा सकते हैं। और जिनको भी ये ब्रेसलेट की बुकिंग करनी है, फिलहाल ये दो ही ब्रेसलेट स्टॉक में है, मतलब कि ये दो ब्रेसलेट मिल जाएंगे आपको। जिनको भी लेना है वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये दो ब्रेसलेट आउट ऑफ स्टॉक है। ये ब्रेसलेट तो खैर ये शुरू से ही था, लेकिन ये ब्रेसलेट अभी हाल फिलहाल में आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो इसकी बुकिंग मैं नहीं ले रही हूँ फिलहाल। ये जो दोनों ब्रेसलेट है, ये जो लव लाइफ के लिए है, आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए मैं ब्रेसलेट दे रही हूँ। या आपका किसी के साथ रिलेशन खराब है, किसी के साथ, आपकी भाई बहन, सास ससुर, बॉस, फ्रेंड, है ना, किसी के साथ भी आपका रिलेशन अगर खराब है, तो ये जो है ना, ये बॉन्ड बनाने में, आपका रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ये आपके करियर के लिए है, आपके स्टडी के लिए है, फोकस नहीं हो पा रहे हैं, माइंड बहुत ज्यादा एकदम बेचैन रहते हो, नींद नहीं आती अच्छे से, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, आपको सक्सेस नहीं मिलता, लक साथ नहीं देता आपका, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स, सो अगर आप लेना चाहते हो अपने करियर के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, सो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, सो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ये थी कुछ इंफॉर्मेशन, चलो अब करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको भूल करके खुश हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उनकी करंट स्थिति क्या है। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। प्लीज गाइड कीजिए। तो कार्ड्स निकालते हैं अब हम। ओके, सिक्स कार्ड्स। ठीक है, सिक्स कार्ड्स निकल चुके हैं मेरे पास। अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। तो चैलेंजिंग टाइम, आपके पार्टनर की स्थिति जो है अभी करंट सिचुएशन में देखूं तो इनकी सिचुएशन मुझे सही नजर नहीं आ रही है। ऐसा है सॉरी ऐसा है कि आपके जो पार्टनर हैं, अपने आप को कहीं इन्होंने स्टक करके रख दिया है, मतलब कि कहीं जो है ना, आपके पार्टनर का दिख रहा है कि बिजनेस में, जॉब में लॉस जा रहा है। ठीक है, इमोशनल भी काफी लॉस फील कर रहे हैं, एकदम से लॉस फील कर रहे हैं ये पर्सन। और इनकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करे, इनकी कंडीशन कैसे सही होगी, क्या कुछ करेंगे तो इनकी पूरी तरीके से सिचुएशन सही होगी। तो ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को, ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन का ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है। ठीक, ये पर्सन ऐसा है कि बहुत मेंटली डिप्रेशन में जा चुके हैं और जो लॉसेस हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा जो है ना परेशान चल रहे हैं। तो इनकी करंट सिचुएशन मुझे सही नजर नहीं आ रही है, काफी हद तक जो है ये पर्सन काफी परेशान चल रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कार्ड्स और क्या आए हैं। अपॉर्चुनिटी बैक ऑन्स। ठीक है,
तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा स्टक से हो चुके हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना कहीं हद तक अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ इनको फील हो रहा है कि हाँ इन्होंने जो है ना बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। यहाँ पे इनको ऐसा भी है जैसे कि इनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी छूट गई, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो है ना मेरे सामने जो आई थी, जो मेरे लाइफ में आई थी, वो चली गई। क्यों चली गई है ना, मेरी बेवकूफी के कारण से चली गई। तो आपके पार्टनर को कहीं हद तक आपके ना होने की वजह से काफी ज्यादा इनकी सिचुएशन, काफी चेंज इनकी सिचुएशन में मुझे नजर आ रहा है। जैसे कि ये पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये पर्सन दूसरों की बातें सुन करके आपके ऊपर ब्लेम करते हैं हमेशा, ठीक है, और दूसरों को सुन करके ये पर्सन आपको हमेशा ही कहते रहते हैं कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। तो कहीं हद तक आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे इसी एनर्जी में बार 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 इनका यही रहता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि ये पर्सन जो है ना सोच नहीं पाते हैं। लव अवांट्स का कार्ड है, तो यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर की सिचुएशन अभी फिलहाल तो न्यू बिगनिंग की है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने के मूड में मुझे नजर आ रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। क्या है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे एक तरीके से इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और ये बार बार पछतावा कर रहे हैं। जब आपने इनको ऑफर किया था अपना लव, है ना, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपने आपने रिजेक्ट कर दिया और आप भी अब पछता रहे हो और ये पर्सन भी पछता रहे हैं। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके बिना इनकी सिचुएशन अभी मुझे सही नजर नहीं आ रही है, बट देखते हैं कि हाँ ये खुश है कि नहीं है, ठीक है। क्राउन चक्र का कार्ड है नंबर 7। तो आपके पार्टनर कहीं हद तक, ठीक है, अपने आप को शांत रखने के लिए ये पर्सन हीलिंग कर रहे हैं। ये पर्सन का दिखता है जैसे कि ये पर्सन अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, इनके इंट्यूशंस हाई हो रही हैं। कहीं हद तक ये पर्सन मेडिटेशन वगैरह भी करते होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। सो ऐसा है, चेंज योर फोकस। सो यहाँ पे यही है, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है। अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि ये डिस्टर्ब चल रहे हैं ये पर्सन। कहीं हद तक मैं देख पा रही हूँ कि देखो पास्ट को भूल पाना, ठीक है, इनके लिए काफी टफ है, ठीक है, पास्ट को भूल पाना इनके लिए काफी टफ है। और वही है, पास्ट को ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे करके भूलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ना कि ये भूल नहीं पा रहे हैं। इनकी सिचुएशन मुझे वो भूलने वाली एनर्जी नजर नहीं आ रही है। ये पर्सन कहीं हद तक जो है ना आपको बहुत मतलब कि आपके बिना, ठीक है, आपके बिना ये इनको लगता है कि जैसे कि जिंदगी खत्म है और जिंदगी स्टार्ट नहीं हो रही है, नए सिरे से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है लाइफ में। वही बस रुक रुक के चीजें हो रही हैं, एकदम से वो फ्लो में काम नहीं हो रहा है। फ्लो में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, अपनी कंडीशन में मैं खुद ही परेशान हूँ। तो आपके पार्टनर कहीं हद तक काफी ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे फाइंड बैलेंस का कार्ड है, तो आपके पार्टनर वही है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे ये पर्सन। ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, इनके इनके अंदर मुझे काफी हद तक जो होता है ना कि हाँ एक ये दिखता है जैसे कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है इनका, है ना। बैलेंस कहीं हद तक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पर्सन जो है ना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं जिसके कारण से ये पर्सन खुद भी स्टक है, खुद भी जो है इस एनर्जी में स्टक है कि हाँ इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकदम से जैसे इनके जिंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है, आपके जाने के बाद इनको लॉस ही लॉस हो रहा है। कहीं हद तक ये पर्सन एकदम से होता है ना कि हाँ ये फील कर रहे हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा मेरे से, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। सो ऐसी भी एनर्जी है इस पर्सन की। मास्टर का कार्ड है, तो आपके पार्टनर कहीं हद तक देखो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं लेकिन ये स्टक है अपने दिल के मामले में, सोच करके जो है ना यहाँ पे एकदम से स्टक मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का जो है ना जो ये बॉन्ड टूट गया है, जो आप दोनों जो है अभी किसी कारणवश अलग हो गए हो, किसी कारणवश जो है आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो सही नहीं बन पा रहा है, तो क्या किया जा सकता है उसके लिए, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं हद तक मैं देख पा रही हूँ कि
आगे बढ़ने के बारे में जो है ना इनकी फीलिंग्स हैं या फिर इनकी सिचुएशन यही दिख रही है, अपने सिचुएशन को देखते हुए ये पर्सन निकाल रहे हैं कि हाँ मुझे अपने पर्सन की तरफ जाना ही होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बगैर खुश हैं या फिर ना खुश हैं, टैरो के द्वारा देख लेते हैं। प्लीज गाइड कीजिएगा। यहाँ 3 कार्ड्स आ गए मेरे पास। ठीक है, 3 कार्ड्स चलो ले लेते हैं, क्योंकि कार्ड अपने से निकले हैं ना, सो मैं वो थोड़ा सा ही लगता है, खुद से कार्ड निकलते हैं तो मैं उसको रखना नहीं चाहती हूँ। चलो प्लीज गाइड कीजिएगा। चलो देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। लास्ट कार्ड, ठीक है। ओके, मेरे पास ज्यादा कार्ड्स आ गए, 7 कार्ड्स आ गए। ओके, कोई नहीं, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट का कार्ड। चलो ठीक है, आपके जो पार्टनर है सबसे पहले काफी अग्रेसिव नेचर होगा इनका, एकदम जैसे कि क्विकली एक्शन लेने वाले पार्टनर। ठीक है, एकदम जो सोचा वो करना है ना, उसी वक्त करना है। इनके अंदर पेशेंस जो होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल से ये पेशेंस कर पाते हैं, मतलब कि पेशेंस रखना इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, आपके पार्टनर का ऐसा मुझे नजर आ रहा है, अगर ऐसा नेचर है तो आप देख लो। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैज, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, आई होप, थोड़ा सा मैं खसका देती हूँ, सारे कार्ड्स आपको दिखे। हाँ ठीक है, चलो मुझे यहाँ पे क्या कार्ड्स बता रहे हैं, कार्ड्स बता रहे हैं कि हम रीडिंग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले यही देख रहे हैं ना कि आपके पार्टनर आपके बगैर खुश हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, दोनों कार्ड्स यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वही है कि आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशन, है ना, इसमें जो है ये पर्सन काफी ज्यादा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है इनका। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखता है, और इसके साथ दिखता है कि ये पर्सन आपके बगैर, आपके बिना खुश नहीं है। देखो, आपके साथ होना इनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। ठीक, आप जब अब नहीं हो तो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, रातों को नींद नहीं आती है इनको, सो नहीं पाते अच्छे से, एकदम से तकलीफ होती है, एकदम से मायूसी आ जाती है, जब भी आपकी याद आती है ये पर्सन रोने लगते हैं, जब भी आपके पार्टनर से बात नहीं होती है ये पर्सन मायूस हो जाते हैं। एकदम से यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बिना ये पर्सन तो खुश ही नहीं है, एकदम से खुश नहीं है। देख लो ना, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एकदम वो दुख भरा सिचुएशन आपके पार्टनर का मुझे नजर आ रहा है, और इसके साथ ही दिखता है कि आपके पार्टनर जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी कि आपके जो पार्टनर है एकदम से होता है ना कि वो लव वाली फीलिंग्स है ना, आपको आपने किस तरीके से इनको सपोर्ट किया, क्या किया है ना, तो ये जो है ना मैं देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। आपके जो कार्ड से बताते हैं कि आपके पार्टनर दिल से आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आता है कि ये क्या करें, है ना, आपके बगैर, क्योंकि आप जो है इनकी लाइफ में नहीं हो, और आपका ना होना इनके लिए काफी टफ सिचुएशन रहता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा, आपको बहुत प्यार भी करते हैं इसलिए आपको मिस भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है ना
ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। देखो अपना पास्ट जो है ना वो छोड़ करके, अपने सिचुएशन को छोड़ करके ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, मुझे ये नजर आ रहा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड से दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके आपसे बात करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, और इनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि हाँ कैसे बात होगी, क्या होगी। लेकिन ये पर्सन जो है ना आपके बगैर खुश नहीं है और आपसे चाहते हैं बात करना, क्योंकि इनको रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये कंटिन्यू करेंगे तो ही जो है ना इनका दिखेगा। ठीक है, सो बात करते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन की। तो नेक्स्ट एक्शन भी हम देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन में। ठीक है, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन? क्या ये आपके बगैर जब भी नो कांटेक्ट में होते हैं तो क्या ये सोचते हैं एक्शन लेने के बारे में या नहीं, ये देख लेते हैं हम। प्लीज गाइड कीजिए। पैशन एंड प्लेजर एकदम से, ये पर्सन देखो आपके पास तो वापस आना चाहते हैं। ठीक है, एकदम से पैशनेट होकर के, एकदम से आपके साथ जो एक हैप्पी वाला मोमेंट होता है ना वो क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एकदम इंजॉय करना चाहते हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं ये पर्सन। दिखता है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और ये पर्सन एक्शन लेंगे भी, मुझे जहां तक दिखता है कार्ड्स में कि ये पर्सन एक्शन भी लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, एनर्जी कुछ ऐसी ही है कि आपके पार्टनर बिना एक्शन लिए जो है ना ये पर्सन रह नहीं पाएंगे। ये पर्सन एकदम से दिखता है कि एक्शन लेना ही होगा इस पर्सन को। ठीक है, और अपनी लाइफ को इंजॉय करना है ना आपके साथ ही चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं। तो किसी और के साथ जो है ना इन्होंने सोचा भी नहीं है, क्योंकि आपसे ये प्यार करते हैं, है ना, प्यार है, फीलिंग्स है ना। तो यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि हाँ काफी मुश्किल भरे रास्ते हैं, काफी ज्यादा टफ है आप दोनों का मिलन, आप दोनों एक दूसरे के साथ आना, है ना, काफी टफ है। लेकिन क्या है कि आपके पार्टनर जो है ना रिस्क ले लेंगे। ठीक है, रिस्क ले लेंगे ये पर्सन, और रिस्क लेकर के जो भी होगा, ठीक है, जो भी अंजाम होगा ये पर्सन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये पर्सन काफी ज्यादा सोचते हैं, मुझे लगता है कि आप इनके और आपके बच्चे हो सकते हैं दोनों के, और आपके हस्बैंड हो सकते हैं ये, और दिखता है या फिर आपकी वाइफ ही है। तो दिख रहा है कि हाँ काफी ज्यादा सोचते हैं एक्शन लेने के बारे में, एक्शन लेना, बात करना, क्लियर करना, चीजों को सोचना और जड़ तक पहुंचना कि हाँ चीजें कहाँ से गड़बड़ होनी स्टार्ट हुई, कहाँ से क्या हुआ, हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा रिलेशनशिप कैसे क्या खराब हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, है ना। तो ये पर्सन मुझे काफी ज्यादा ऐसे सोचते हुए नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन वही देख लो, वही है कि आपके पार्टनर जो है ना सच को खोजने के लिए, ठीक है, ये पर्सन सच को चाहते हैं, सच इनके सामने आए तब ये पर्सन चाहते हैं कि एक्शन लूं और तब जो है अपने पार्टनर के पास जाऊं। सच ये जानना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि आखिर सच है क्या। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि काफी हद तक छुपाई गई हैं, आपने छुपाई या फिर आपके मतलब इनके पेरेंट्स ने या आपकी फैमिली ने, है ना। तो उन सारी चीजों को जो है ना ये पर्सन कहीं हद तक जानना चाहते हैं। ठीक है, जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। एकदम से आपको कहा जा रहा है कि आप जो है अपना दिल ओपन करके रखो, हार्ट खोल के रखो, देखना आपकी लाइफ में खुशियां जरूर आएंगी। ठीक है, आपके जो पर्सन है आपकी लाइफ में जरूर वापस आएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ आपके पार्टनर वापस आने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सो चलो कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं उनके, कि क्या वो लव मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। अपने दिल की एक हर एक बात होती है ना कि अपने पार्टनर से बोलना, दिखाना, जताना, है ना। कुछ लोग होते हैं कि जताते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। सो चलो कुछ देख लेते हैं मैसेजेस। ओके, ज्यादा नहीं देखेंगे हम। सो फर्स्ट है, इवन थ्रू यू आर कंप्लीटली ड्रॉप डेड गॉर्जियस ऑन द आउटसाइड, यू आर इवन मोर ब्यूटिफुल इन द इनसाइड। देखो आप, इनके कहने का मतलब यही है कि देखो आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, आप बाहर से कितनी भी सुंदरता को दिखा लो, लेकिन क्या है ना कि वो सब सुंदरता एक अलग है, लेकिन जो जितने सुंदर आप अंदर से हो, ठीक है, उतने आप जो है ना बाहर से तो दिखते ही हो, लेकिन अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आपका मन बहुत खूबसूरत है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, हर किसी के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हो, ठीक है।
तो हर कार्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। यू वॉन्ट टू नो एवरी थिंग अबाउट मी इंक्लूडिंग एवरी लिटिल बोरिंग डिटेल्स एंड मेमोरीज। ओके, आपको आप हमेशा कुछ ना कुछ जानना चाहते हो इनके बारे में, है ना। छोटी छोटी बातें जो कि याद रखने लायक भी नहीं है वो भी आपको याद रहती हैं। चलो, यू इनकरेज मी टू बी पॉजिटिव एंड सी द गुड इन थिंग्स। ये हमेशा आपको आप जो है इनको आपको मतलब कि आप जो है इनको हमेशा इनकरेज करते रहते हो, हमेशा सपोर्ट करते रहते हो कि हाँ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, सारी चीजें जो है ना सही हो जाएंगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी, टेंशन नहीं लो, है ना, ईश्वर में आस्था रखो। आप हमेशा इनको जो है ना एकदम से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते रहते हो, ठीक है। चलो, यू आर सच अ हार्ड एंड डेडिकेटेड वर्कर। व्हेन देयर इज समथिंग दैट नॉट दैट नीड्स टू बी डन, यू गिव इट योर बेस्ट एफर्ट्स। ओके, हाउ यू आर स्टिल अफेक्ट, ये क्या है, अफेक्शनेट। ओके,